E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन एंड E-Point चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 1000 सॉल्व प्रॉब्लम इन रियल एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर क्लोज्ड इन आर, ठीक है। इसमें कौन से सेट जो है वो आर में क्लोज्ड होंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन CSI नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शंस देखो, ऑप्शन वन जो है वो ये ऑप्शन जो है CSI नेट में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अच्छे से इस क्वेश्चन को, इसमें से क्या बोल रहे हैं, क्लोज्ड सेट बोल रहे हैं ये सारे ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होंगे, फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं 1/n + 1/m, ठीक है। ये पूरा हमारे पास एक सेट है, ठीक है, जिसमें यूनियन सेट जीरो भी हमारे पास है, लेकिन हम इसको लेके चल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1/n + 1/m, m कॉमा n बिलोंग्स टू n, फॉर फिक्स्ड m एंड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ n। हम m को फिक्स रख रहे हैं और n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, 1+1/m। हमने m को फिक्स रखा, इसको चेंज किया, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 हो गया, यहाँ 2 रखेंगे 1/2 + 1/m एज इट इज रहेगा, 1/3 1/4 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ इन्फिनाइट पुटअप करता हूँ तो इन्फिनाइट पुटअप करने पर ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1, तो 1 इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। सेम एज यहाँ इन्फिनाइट रखेंगे तो 1/2 हमको लिमिट पॉइंट मिलेगा, यहाँ हमको 1/3 लिमिट पॉइंट मिलेगा, यहाँ हमको 1/4 लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो इन्फिनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे, डायग्राम से यहाँ देख सकते हो कि कोई हमने 1 कोई पॉइंट लिया यहाँ पर, इसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज हैं। अब इसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं इस नेबरहुड में, हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज रखते जाऊँ 1, 2 जो भी यहाँ पर, या कुछ और भी वैल्यूज यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ठीक है, उस वैल्यू को यहाँ पर रखने पर, ठीक है, 1, 2 जो भी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूज तो आएंगे, मतलब इसके नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, सेम एज 1/2 के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमको एक सेट क्या मिल जाता है यहाँ पर, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स 1/n, क्योंकि 1/n के वैल्यू से, यहाँ पर देखो 1/n के वैल्यू से इसके जितने भी है वो सारे लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, 1/n हुआ। और एक और पॉइंट आ सकते हैं 0, जो कि पहले ही हमको दिया गया है, ठीक है। 0 क्यों, अगर मैं दोनों में इन्फिनाइट पुटअप करता हूँ, ये जो है इन्फिनाइट की तरफ अगर जाता है, जो 2, 3, 4, 5 हमने रख रहे हैं इन्फिनाइट की तरफ जाता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल 0 आ जाएगी, तो 0 भी क्या हो जाएगा, इसका यूनियन में आ जाएगा, यूनियन 0। तो ये ओवरऑल जो सेट है वो कौन सा सेट होगा, क्लोज्ड सेट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या कहा गया था, क्लोज्ड सेट कहा गया था, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं, इसमें है देखो, मॉडुलस ऑफ x-1 सच दैट x बिलोंग्स टू -5, 5, ये ओपन इंटरवल की बात कर रहा है यूनियन, और यहाँ पर x+1 है मॉडुलस, और क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं, x इसमें बिलोंग कर रहे हैं -4, 4, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें भी क्या आएंगे, -4, +4 आ रहे, इसमें भी सेम वही क्लोज्ड इंटरवल के लिए। तो हमने कुछ ऐसा इसको डायग्राम को बनाया। सबसे पहले देखिए सेट कहाँ से आई, ये सेट में हम यहाँ पर जो है वैल्यूज पुटअप करके, आप देख लीजिए वैल्यूज जब इसमें पुटअप करेंगे आप ये इंटरवल पे, तो आपको ये कोई सेट मिलेगा 0, 6, ठीक है। आप देख सकते हैं वैल्यूज पुटअप करके, तो ये आपको सेट मिला। अब इस सेट को हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, देखो क्लोज्ड क्या है, 0 की तरफ क्लोज्ड है और 6 की तरफ ओपन है, ठीक है, 0, 6। तो इसके बाहर वाले हमने कुछ सेट बना दिए, इंटरवल बना दिए, ठीक है। तो इसके बाहर के इंटरवल को हम देखते हैं कि क्लोज्ड है कि ओपन है, वहाँ से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ -∞ to 0, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पर 6 to +∞ है, ठीक है, ये क्या है, 6 की तरफ क्लोज्ड है और इन्फिनाइट की तरफ ओपन है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये तो क्लोज्ड हो गया, अब यहाँ पर मैं अगर नेबरहुड लूँ, यहाँ पर नेबरहुड लेने की कोशिश करूँ, तो यहाँ नेबरहुड ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि इसके आसपास देखिए इसके राइट साइड के पॉइंट्स तो आ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड के पॉइंट्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि 6 में ही फिक्स हो गया, ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है, 6 में ही क्लोज्ड हो गया, इधर तो पॉइंट आएंगे ही नहीं लेफ्ट साइड में, तो इसके नेबरहुड भी नहीं ले सकते। तो क्या है, 6 के कोई नेबरहुड ही नहीं है, नॉट ए नेबरहुड ऑफ 6, यानी कि ये जो हम बाहर के जो सेट्स लिए हैं वो क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है क्या आ गया, ओपन सेट। अब कॉम्प्लीमेंट जब ओपन नहीं है, ठीक है, ओपन सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेबरहुड ही नहीं रख रहा है, तो नेबरहुड ही नहीं है तो ओपन नहीं होगा,
यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, नॉट एन ओपन सेट, देन सेट इज ऑल्सो नॉट एन ओपन क्लोज्ड सेट. ठीक है, ओपन सेट नहीं है तो क्लोज सेट भी नहीं होगा. ठीक है, यानी कि क्लोज सेट नहीं है तो ऑप्शन सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्लोज्ड कहा गया था. इसमें देखिए हमारे पास कोई सेट है आर बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर और साइन वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन है. ठीक है, साइन कोई फंक्शन यहाँ पर दिया है, वो सेट कुछ बना हुआ है. ठीक है, सेट ऑफ फंक्शन तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, वन दे रही है. लेकिन अब यहाँ पर वन कब कब इसकी आती है वैल्यू साइन के लिए. ठीक है, अगर मैं टू अपन पाई रखूँ यहाँ पर तो क्या होगा, टू अपन पाई रखने पर यहाँ पर पाई ऊपर जाएगा टू नीचे, तो पाई बाई टू यानी कि वन. सेम एज टू अपॉन फाइव पाई भी रख सकते हैं, इसमें भी क्या होगा, वन ही आएगा. आगे भी वैल्यूज टू अपॉन नाइन पाई और आगे के लिए वन वैल्यू आएंगे. ठीक है, ये सारे वैल्यूज इसमें आ रहे हैं. अब देखिए जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट. अब इसमें देखिए, इसमें आप एक्स एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं, रियल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, तो साइन की वैल्यू माइनस वन टू प्लस वन होती है तो वहां पर जीरो भी तो आएगा. तो साइन में अगर जीरो आएगा तो वो तो उसका लिमिट पॉइंट हो रहा है सेट का. ये जीरो इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन सेट में नहीं आ रहे हैं, तो लिमिट पॉइंट जब उसके सेट में नहीं आ रहे हैं यानी कि क्या है, वो क्या हो जाएंगे, यानी कि वो ओपन नहीं होंगे. ठीक है, वो ओपन नहीं हो रहे हैं यानी कि क्या होंगे, वो क्लोज्ड भी नहीं होंगे. अब जब वो क्लोज्ड नहीं होंगे यानी कि ऑप्शन थ्री हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है. ठीक है, अब फॉर ऑप्शन फोर देखते हैं. सेम एज ऑप्शन वन, जो ऑप्शन वन में हम देखे थे, जो सेम आप देख सकते हैं ऑप्शन में, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एम के लिए ही वही सेट दिया हुआ है. ये तो क्लोज्ड आया ही आया है, अगर चाहे आप उसको इवन नंबर ही ले लें तो भी क्या आ रहा है, वो क्लोज्ड आ रहा है, यानी कि ऑप्शन फोर जो है करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो आगे मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.